मुठभेड़ के दौरान शातिर लुटेरे गिरफ्तार। थाना बलदेव पुलिस ने दो शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों बदमाश जिम्मा चौधरी और छोटू आगरा निवासी है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, दो तमंचा, आभूषण, नकदी सहित 3 मोबाइल बरामद किए हैं। दरअसल देर रात पुलिस को सूचना मिली कि थाना बलदेव क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व बाइक सवार दंपत्ति से लूट की घटना को अंजाम देने वाले दोनों शातिर बदमाश यमुना एक्सप्रेसवे के पास से किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। तभी पुलिस ने सर्विलांस और एसओजी टीम की मदद से दोनों बाइक सवार बदमाशों को घेर लिया। दोनों ओर से हुई फायरिंग में बदमाश घायल हो गए। इसके बाद आनन फानन में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पकड़े गए दोनों बदमाश शातिर किस्म के अपराधी है, जिन पर लूट, डकैती, अपहरण, गैंगस्टर हत्या के प्रयास, चोरी, मादक पदार्थों की बिक्री, अवैध हथियारों की तस्करी और मारपीट जैसे कई मुकदमे मथुरा और आगरा जनपद में दर्ज है। दिनांक 13 को थाना बलदेव के सेहत गांव में सीताराम गौतम, जो अपनी वाइफ के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे, इनको दो अज्ञात बदमाशों द्वारा जो बुलेट से थे रोका गया और इनके साथ लूटपाट की गई, जिसमें इनके वाइफ के कुंडल और 800 रुपये बदमाशों द्वारा छीन लिए गए थे। वहाँ खेत में काम कर रहे लोगों द्वारा हल्ला किया गया और इस हल्ला में गांव के लोग बदमाशों का घेराव किए। इस घेराव में जब वो अपने को घिरता देखे तो उन्होंने फायरिंग की और जिससे गांव के ही कप्तान सिंह के हाथ में गोली लगी थी। इस घटना के अनावरण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा कई टीमों को लगाया गया था, जिसमें सर्विलांस, एसओजी और बलदेव की टीमें काम कर रही थी। आज रात मुखबिर की सूचना पर कि बदमाशों का मूवमेंट हो रहा है, पुलिस द्वारा एक्सप्रेस वे के कासिमपुर अंडरपास पर जाम चेकिंग लगाई गई थी। इस चेकिंग के दौरान एक बुलेट से दो व्यक्ति आते हैं और पुलिस को देखकर वो हड़बड़ी में गिर जाते हैं। उनके द्वारा पुलिस पर ही फायरिंग की जाती है, जिसके जवाब में पुलिस कार्रवाई करती है और इस कार्रवाई में घनश्याम चौधरी उर्फ जिम्मी चौधरी के पैर में गोली लगती है और उसका साथी सुरेश उर्फ छोटू यादव, जो एतमाद दौला का रहने वाला है, गिरफ्तार किया जाता है। दोनों बदमाशों ने घटना का स्वीकार करते हुए बताया कि इनके द्वारा ही घटना कारित की गई है। इनके पास से कुंडल और 800 रुपये बरामद हुए हैं। जिम्मी चौधरी का जो आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो उनपे अब तक 14 मुकदमे प्रकाश में आए हैं। इसी प्रकार सुरेश यादव पर 8 मुकदमे प्रकाश में आए हैं। इनके पास से 2 अदद तमंचे, घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल, कुंडल, 800 रुपये, 3 मोबाइल बरामद किया गया है। जिम्मी चौधरी उर्फ घनश्याम चौधरी, जिनको जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, छोटू उर्फ सुरेश यादव को जेल भेजा जा रहा है। पुलिस द्वारा ये सराहनीय कार्य और त्वरित घटना का अनावरण किया गया है। पुलिस अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मथुरा से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।